हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मुंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 मेंसुरेशन असाइनमेंट 12.3। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फॉलोइंग फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मींस इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और इसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है। एंड हिज टू डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल का हमें एरिया गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है, इसके दोनों डायगोनल्स ने क्या किया, इस स्क्वायर को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है, आपको पता है होती है इसकी चारों साइड्स इक्वल, ठीक है। इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स ने स्क्वायर को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। मींस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, इसको 4 से डिवाइड कर दें, मीन्स 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, डायगोनल, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी डिवाइड्स, डिवाइड द स्क्वायर, डिवाइड द स्क्वायर ए बी सी डी इंटू 4 ट्रायंगल्स, इंटू 4 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल ओ डी ए ऑफ द सेम एरिया, ठीक है। इनका एरिया सेम होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, सो को हम थोड़ा पास कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको बताया कि अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड मीन साइड स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमें दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला 4 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 इधर जाएगा तो 1 × 1 = 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, साइड इंटू साइड मीन साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 2 टाइम्स है, सेंटीमीटर की पावर भी 2 है, कंपैरिजन में हम सेंटीमीटर नहीं लगाते, अगर आप नहीं लगाओगे फिर भी आपको गलत नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से सेंटीमीटर हटा दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो बस आप इतना लिख लो, 4 × 4, कंपैरिजन में हम सेंटीमीटर हटा देते हैं, तो यहाँ 4 की पावर 2 है, यहाँ साइड की पावर 2 है, तो पावर 2 से पावर 2 कट गई, तो इसका मतलब जो साइड आ गई हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर यहाँ लगा देते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में था। तो आंसर हमने क्या निकालना था, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर, क्लियर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर
whose dimensions are shown. अब हमारे पास ये फिगर है, इसका हमें एरिया निकालना है, इसकी डायमेंशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है. नीचे क्या हमारे पास रेक्टेंगल और ऊपर हमारे पास क्या दो ट्रायंगल्स. तो हम इसको टू पार्ट्स में निकालेंगे. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नीचे वाला जो फिगर है इसका एरिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब यहां पे जो रेक्टेंगल है उसका नाम है सी डी ई बी. सी डी ई बी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर 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 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे ऊपर वाला जो पोर्शन है दो ट्रायंगल्स उनका एरिया. तो एरिया ऑफ फिगर, अब दोनों ट्रायंगल्स को हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास फिगर बनेगी ए बी पी ई एफ. एरिया ऑफ फिगर ए बी पी ए बी पी ई एफ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ई एफ. ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के एरिया को हम प्लस कर देंगे तो जो ऊपर वाली फिगर है हमारी ए बी पी ई एफ इसका एरिया आ जाएगा. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस कितना हमारा बी पी और एल्टीट्यूड क्या हमारा 20. ठीक है, बीपी इंटू 20 प्लस, अब ये वाला ट्रायंगल ले ले, इस ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा 1/2 बेस इंटू बेस कितना है पीई एल्टीट्यूड. ये अगर ये 20 है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो भी 20 है. फिगर में देखो ईडी हमारे पास कितना है 80 सेंटीमीटर और एफ डी कितनी है 100 सेंटीमीटर. 100 माइनस 80 तो ये जो साइड आ गई हमारी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसमें से देखो 1/2 और 20 बाहर ले सकते हैं. 1/2 इंटू 20 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया बीपी प्लस पी. ठीक है, इसको सिंपल ब्रैकेट में लेते हैं. देखो बीपी प्लस पीई तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. देखो इसके अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगी ना. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो 1/2 इंटू 20 इंटू बीपी प्लस पीई कितना है 50 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर आ गया. कटिंग कर दी तो कितना आ गया हमारे पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ दिस फिगर, ये जो भी क्वेश्चन में फिगर दी है इसका एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ फिगर कितना आएगा हमारे पास, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया 4000 प्लस 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है फिगर उसका एरिया हमारे पास आ गया 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एज मच एज द एरिया ऑफ स्क्वायर हूज साइड इज 5.4 मीटर. इफ द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9.0 मीटर फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. हमें क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ फाइंड करनी है. गिवन क्या है हमें, द एरिया ऑफ, पहली लाइन देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज
as much as the area of square means equal to the area of square. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड. अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी लेंथ कितनी है, इफ द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9.0 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है, और ब्रेथ हमने क्या करनी है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, इसकी हमें ब्रेथ फाइंड करनी है. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, पूर साइड इज 5.4 मीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमें कितने दिया है 5.4, साइड इंटू साइड 5.4 इंटू 5.4, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर हम बाद में लगाएंगे. अब हमने क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है. अभी जो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहां आके डिवाइड हो गया, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे हम इसका, इसका भी पॉइंट हटा देंगे, हटा दिया. अब हमारे पास आ गया 54 इंटू 54 अपॉन 9 इंटू 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 9 1 9 9 6 54 54 को 6 से मल्टीप्लाई करने, कितना आ गया 324 अपॉन 100. 324 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3.24 मीटर. तो इसकी जो ब्रेथ आ गई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास कितनी आ गई, 3.24 मीटर, ये आ गया हमारा आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द एल्टीट्यूड इज ऑफ 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस, क्या फाइंड करना है हमें, बेस की लेंथ कितनी है. अब हमें क्या गिवन है, एल्टीट्यूड कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये हमें एल्टीट्यूड गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा ली, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 50, ठीक है, जब बीच में इक्वल टू होता है तो हम यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाते हैं, ठीक है. वन बाय टू इंटू बेस फाइन करने, एल्टीट्यूड हमारे पास कितना है 8, 2 1 2 2 4 8, अब हमें बेस इंटू 4 आ गए हमारे पास, बेस फाइंड करने 50/4, कटिंग कर देंगे 2 के टेबल से, कितना आ गया 25/2 बेस आ गया, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर. हाँ जी, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. 11 क्वेश्चन है, ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम हैज वन डायगोनल ऑफ 42 मीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस डायगोनल फ्रॉम आइदर ऑफ द आउटलाइन वर्टिसेस इज 10 मीटर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. हमारे पास फिगर गिवन है, ये हमारे पास फील्ड है जो पैरेललोग्राम की शेप में है, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी, पैरेललोग्राम की शेप में हमारे पास क्या है, फील्ड है. ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम हैज वन डायगोनल ऑफ 42 मीटर लॉन्ग,
इसका एक डायगनल है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 42 मीटर। और क्या है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस डायगनल का, ये हमारे पास 10 मीटर है। क्लियर। और यहां से जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी हमारा कितना है 10 मीटर। हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड कैसे निकलेगा हमारा, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के, ठीक है, इस ट्रायंगल के एरिया में प्लस कर दे, मींस दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस कर दे, तो हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। क्लियर। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, दोनों के एरिया निकाल के प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे एरिया ऑफ एबीडी, ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, फिर नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, फिर हम दोनों को प्लस कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो इसकी डिवीजन होती है कि जैसे हमने इसका एरिया निकाल दिया 1.5 मार्क्स का हो गया, इसका एरिया निकाल दिया वो भी 1.5 मार्क्स का हो गया, और 1 मार्क्स इनको प्लस करने का आ जाता है। ठीक है, इस तरह से टीचर्स डिवाइड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, ये वाली लाइन बेस है, ये जो डायगनल है हमारा बीडी, ये क्या हमारा इसका इस ट्रायंगल का बेस है, तो 1/2 बेस 42 और एल्टीट्यूड का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, कितना आ गया 210 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया एबीडी। इस तरह से हम ट्रायंगल नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी सेम फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, इसका भी सेम ही बेस है, ये वाली जो लाइन है बीडी इसका बेस है 42 इनटू एल्टीट्यूड का डिस्टेंस सेम है दोनों में, इसका एरिया भी उतना ही आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकाला है एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, 210 प्लस 210 मीटर स्क्वायर कितना आ गया 420 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले थोड़ा सा ये देखें हम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस क्या कहती है हमें, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये सारी प्रॉपर्टीज हम एक क्लास में बहुत पूरी फुली एक्सप्लेन करेंगे, या थोड़ा सा आप समझ लो कि क्या है ये प्रॉपर्टी, कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी जो डायगनल्स हैं, रोम्बस के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को, ये हमारा एक डायगनल है और ये हमारा दूसरा डायगनल है, दोनों डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री, ठीक है, अब मतलब ये हमारे पास रोम्बस है ए बी सी डी, इसका डायगनल ए सी और बी डी है, इन दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर दिया, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो कितने के बनेंगे हमारे 90 डिग्री के। ठीक है, अगर इसका एक डायगनल 6 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी 3 सेंटीमीटर होगा और नीचे भी 3 सेंटीमीटर होगा,
डाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर सेकंड डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा, ठीक है, समझ आ गई। इसका मतलब ये जो डायगोनल है हमारे ए सी एंड बी डी, ये जो दो डायगोनल है इन्होंने क्या किया, इस रोम्बस को 4 राइट ट्रायंगल में चेंज कर दिया। ए सी एंड बी डी डिवाइड्स द रोम्बस इंटू 4 राइट ट्रायंगल, 4 राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। कौन कौन से राइट ट्रायंगल हैं? ये मान लो यहां सेंटर में हमारा ओ है, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ये 4 राइट ट्रायंगल हैं, ठीक है। अगर हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है इस फैक्ट के अकॉर्डिंग, क्या फैक्ट है, क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें अगर इस एरिया ऑफ रोम्बस तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो चारों ट्रायंगल में से, मैंने ट्रायंगल ले लिया ए ओ बी, ठीक है। अगर हम एरिया एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाए, इतना समझ आया। नाउ लेट सी क्वेश्चन नंबर 12, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यूज दिस फैक्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हूज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दोनों डायगोनल्स ने एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर दिया, मीन सेंटर पे जो एंगल बने हैं हमारे वो 90 डिग्री बने हैं। एक डायगोनल हमारा 8 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 4, दूसरा डायगोनल हमारा 6 है तो ऊपर वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, नीचे वाली भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए ओ बी, चारों जो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, चारों ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स हैं, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या फैक्ट यूज किया है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड ये वाली लाइन हो जाएगी 4 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक लाइन को हमने बेस मान लिया तो दूसरी हमारी एल्टीट्यूड हो गई, ठीक है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। तो कटिंग कर देते हैं, 4 × 2 × 3 करेंगे, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।